शुरू में देखा जैसे मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन या सरकार बनते ही आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी में सब पेमेंट काम को रोक दिया, इस पर जांच होगी। तो हम लोगों को लगा कि अच्छा है चलो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ जांच कर रहे हो। फिर लगा कि एक आध महीना के बाद पता चला कि अंडर हैंड सब लोगों से डील हुआ और इसके बाद फिर काम सब चालू हुआ। तो लगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ माने एक प्रकार से भाया दोहन करने की कोशिश कर रही है। भाई जिसके पास सरकार है उसको जांच करने से किसने रोक रखा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन और यह इनकाउंटर द बिग इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं राज्य के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी। मरांडी साहब, स्वागत है आपका इनकाउंटर में। आज पर्यावरण दिवस है, सबसे पहले तो आपको बधाई उसके लिए। और ये जो 20 साल का सफर रहा है, आप पहले मुख्यमंत्री थे इस राज्य के और 20 साल के बाद ये झारखंड वो झारखंड है जिसकी परिकल्पना आपने की थी, क्योंकि आप इसके पहले से भी हैं। देखिए, परिकल्पना तो झारखंड वासियों ने की, झारखंड को बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे थे सब लोगों की इच्छा पूरी अलग राज पर, और वो लोगों की इच्छा पूरी हुई 15 नवंबर 2000। ये हमारा सौभाग्य था कि हम उस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। स्वाभाविक है राज्य के मुख्यमंत्री बने तो जिन तकलीफों को हमने देखा था, झेला था, जिसे हमने महसूस किया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसे हमने दूर करने की तक हमने कोशिश की। सर, आपके आपके कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो लोग आज भी रेटिंग करते हैं, मीडिया पर्सन भी उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, वो था कि आपने आते ही जो रिमोट एरियाज थे, जो गांव था, जो दूर दराज के जो इलाके थे, उसको आपने मुख्य सड़क से जोड़ा। पुल पुलिया का स्कीम लेकर क्या है, रोड के साथ लेकर क्या है, और अभी भी राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, खास करके रोड सर्विस ट्रांसपोर्ट को लेकर के। आपको लगता है कि ये अप टू मार्क है या और कुछ करने की जरूरत है? देखिए, और कुछ करने की तो जरूरत हमेशा रहती है, तो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि रिमोट तक, तो हम बोले कि हमने तो वही काम किया जिससे हम जिस तकलीफ को हमने झेला था कि हमारे गांव ही बिल्कुल एकदम रिमोट है, बिल्कुल सड़कें नहीं थी, आने जाने की दिक्कतें थी सब कुछ, तो हमारे गांव ही नहीं बल्कि झारखंड के हजारों गांवों की यही कहानी थी। और इसलिए मुख्यमंत्री बने तो हमने तय किया कि भाई हमें सड़कें भी बनानी है, नदी नालों की कोई पुलिया भी बनानी है, और इस काम को जो 10 साल काम लोगों ने सोच लिया और जिसके लिए आप चर्चा कर रहे थे, लोग याद करते हैं, और बाद के सरकार ने भी वही काम करना शुरू किया। क्योंकि हमने कहा कि लोगों की जो जरूरतें हैं उसको आप जो महसूस करते हैं उसी को दूर करना चाहिए और उसी को पूरा भी करना चाहिए, तो फिर अपने आप सब कुछ चल पड़ेगा, उसी काम को हमने। मनानी साहब, अभी जो कोरोना का थ्रेट चल रहा है, हम लोग भी जब झारखंड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी पावर है लोगों की, झारखंड का जो कोरोना का जो ग्राफ है वो कंपेरेटिवली दूसरे राज्यों से और देश भर में जो इंडेक्स है उसमें बेहतर कंडीशन में ये लोग मान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों का इम्यूनिटी पावर अच्छा है या सरकार का इंतजाम अच्छा है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान मरने वालों की संख्या दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है, निस्संदेह, और खास करके उन देशों से कम है जो विकसित देश से, इस कारण से भाई भी वाक्य है सब कुछ। हमारा मानना है कि इस कारण से एक तो ये जो भारत वर्ष है और खास करके हम लोगों का भी इलाका जो है जो क्या कहते हैं मलेरिया जोन की, तो आपने देखा होगा कि मलेरिया में जो दवा का यूज होता है वो तो जितने भी विकसित देश है, यहाँ तक कि अमेरिका ने उसको बड़ी जोर शोर से भारत से मंगाई, और जब यहाँ भारत ने बाहर दवा एक्सपोर्ट की प्रतिबंध किया हुआ था तो उस कारण से थोड़ा वो गुस्सा है ट्रंप। तो कहने का अर्थ है कि पहले से ही ये जो मलेरिया वगैरह बुखार वगैरह जो होता है ना, तो वो भी एक प्रकार से वायरस ही होता है, तो उसकी दवा यहाँ लोग यूज करने किसी रूप से लोग यूज किए हुए, तो ये यूज टू कंडीशन के कारण थोड़ा इस कारण से भी एक विषय था। और दूसरा कि जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की जो बातें होती हैं, तो
जैसे काढ़ा पीने की बाकी की, तो स्वाभाविक सभी यहाँ के लोग या भारतवर्ष में लोग जैसे मसाले का प्रयोग करते हैं, जीरा है, गोलकी है या लौंग है या जीज जो भी चीज़ें हैं जितनी भी प्रकार की, तो स्वाभाविक रूप से वो एक अच्छा रहा। तो हमें लगता है कि इसका एक असर रहा है लोगों के शारीरिक, तो इस कारण से मैंने जितनी विकसित देशों में जो हालत पैदा हुई यहाँ वो हालत नहीं पैदा हुई। सर एक प्रसाद स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के हम बात करना चाहेंगे कि कोरोना पीरियड में जो इंतजाम किए प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, आप उसको कैसे रेट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे क्वारंटाइन सेंटर है या फिर इलाज की जो गति है वो काफ़ी सुस्त है। कल या परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि 12,500 करीब तो क्वारंटाइन पड़ा हुआ है, जो तो ये बढ़ते ही जा रहा है, कम हो नहीं रहा है। तो लगता है जांच की जो रफ्तार होनी चाहिए उसके लिए जो काम करनी चाहिए सरकार, वॉल्यूम ऑफ टेस्टिंग को बढ़ाना है। हाँ, बढ़ाना चाहिए। जैसे इतने सारे मजदूर बाहर से आ गए जो तो बाहर काम कर रहे, इसलिए अभी देख रहे होंगे जाकर मरीजों की भी संख्या बढ़ रही और वही मरीज हैं जो बाहर से लोग लौट कर। तो स्वाभाविक है कि एक तो उसको ठीक करना चाहिए था और फिर जो क्वारंटाइन में लोग हैं सेंटर में है वहाँ उनकी भोजन इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। मंडी साहब, एक राष्ट्रीय पार्टी के आप यहाँ पे ये विधायक दल के नेता हैं झारखंड के अंदर, प्रवासी मजदूरों का एक बेसिक सवाल है मैं आपके सामने उठाना चाह रहा हूँ कि राज्य को बने 20 साल हो गया और रोजगार को लेकर के आपको लगता है कि अपेक्षित कामयाबी मिली है स्टेट को और कुछ करने की जरूरत है? पलायन खास करके मजदूरों का जो मजदूरी के लिए पलायन है, आपको लगता है कि ये आप सोचना है? देखिए, रोजगार के लिए तो सबको प्रयास करनी चाहिए, मैं उसके लिए इसी सरकार को मैं जिम्मेवार नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक तुरंत हो भी नहीं सकता है। वर्षों से हम सब लोगों ने जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, तो उस पर जितनी ध्यान देनी चाहिए थी उतनी हम लोगों ने दे दी। मुझे लगता है जो कोविड है, कोरोना है, इसमें हम सब लोगों को बहुत कुछ शिक्षा दी, रेशन सबके लिए मिला है, रेशन मिला है, तो हमें लगता है उस रेशन से कुछ सीख करके और योजना बनेगी तो निश्चित रूप से आने वाले कल जो लोग, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। शॉर्ट टाइम तो जितना है कि आदमी को बचना है, जिंदा रहना है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके साथ साथ बाकी जो डेवलपमेंट का काम उसको आगे बढ़ा। मुरली साहब, एक सवाल है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आप मुश्किल वक्त में आए भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी आज पावर में नहीं है और एक शिकायत है संगठन का भी है कि बहुत जगह है लोग गुटबाजी में लिप्त हैं, तो आप विधायक दल के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? आप ही के लोग हैं, जबकि हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं वेयर देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी पॉलिटिक्स वेदर इट इज इंट्रा और इंटर, तो जहां संगठन है वहां राजनीति निहित है, लेकिन संगठन के भीतर भी राजनीति हो रही है, इस गुटबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, आपने शादी किया होंगे, बिल्कुल, तो कभी कभी घर में पत्नी से भी हो जाता है, नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात, कभी कभी पत्नी मार के मायके भी चली जाती होंगी, तो इतना बड़ा संगठन है तो थोड़ी सी चलते रहता है, कोई नई बात इसमें है कुछ भी नहीं, और नहीं चलेगा ऐसा तो संभव नहीं है। जहाँ मठ में जो सन्यासी लोग रहते हैं वहाँ भी झगड़ा चलते रहता है, पॉलिटिकल सेटअप है झारखंड के अंदर, बहुत लोग ये मानते हैं कि झारखंड को इंटेलेक्चुअल ये पॉलिटिकल सेटअप नहीं मिला, ये राज्य के विकास के लिए थोड़ा मुश्किल है, आपको लगता है कि मतलब इंटेलेक्चुअल ये पॉलिटिकल सेटअप नहीं मिला झारखंड को? नहीं, देखो मैं इस रूप में नहीं सोचता, अब जो भी सरकारें होती है, अगर आज गरीबी है तो देश तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो 2000 तक भी तो सरकारें रही हैं देश प्रदेश में, 2000 को तो एकीकृत बिहार, एकीकृत बिहार कहे या हिंदुस्तान कहे, जो भी तो सरकारें तो रही हैं, तब भी झारखंड में गरीबी थी,
तो इसलिए हमने कहा कि ये जो आपने कहा कि इस कारण से आज के ही ये व्यवस्था सब कुछ रूसी आप उसके ऊपर मारना, ये ठीक नहीं। ये जो पूरी एक प्रकार के माइंडसेट चलता है, जो एक डेवलपमेंट का एक ढांचा, एक सोच जो चलती है, सभी समाज इसलिए है क्योंकि संसाधनों से परिपूर्ण आपका और हमारा ये राज्य अभी भी संघर्ष कर रहा है, इसलिए ये बुनियादी सवाल है। देखिए मैं कहूँगा कि राजनीतिक नेतृत्व अगर होता अच्छा तो कम से कम राज्य की यही बात मैं कह रहा हूँ ना, यही यहाँ के जितने भी जिसको कहते हैं ना कि आपके शरीर के लोग और भी लोग इस बात को बार बार बोलते हैं, क्या संसाधन भरा हुआ है, क्या संसाधन है यहाँ पर, कोयला है और आयरन है, उससे अधिक तो कुछ है। अब इससे इस प्रदेश की गरीबी को नहीं दूर की जा सकती है, बेरोजगारी को नहीं दूर कर सकती है। आज के तारीख में इसके कटिंग कैसे होता है, मशीनों से होती है, वहां उतनी लोगों की जरूरत नहीं है। अब सबके सब पावर प्लांट तो कोयला के आधारित प्लांट तो आप झारखंड में नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो फिर उसके क्या हालत हो। दूसरा है आयरन ओर है, आप जिसको इस रूप में देखें, जिस समय बोकारो प्लांट बना है लगाया गया था, जिस वक्त टाटा के स्टील प्लांट लगा, उस समय कितना मेन पावर थे, प्रोडक्शन क्या था, आज कितना मेन पावर प्रोडक्शन क्या, तब आपको समझ में आएगा। तो आज की तारीख में झारखंड में अगर 100 भी टाटा जैसे या बोकारो जैसे प्लांट लग जाएंगे तो झारखंड की बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते और गरीबी भी नहीं दूर कर सकते। चैलेंज है, चैलेंज यही मैं कह रहा हूँ ना कि यही समझने की जरूरत है हमें। अगर इतनी बड़ी आबादी है झारखंड की, आज 3.75 करोड़ आबादी है, तो हमें इस आबादी को अगर हमें रोजगार देना है तो बाकी क्षेत्रों को भी हमको तलाश करना होगा और उसके लिए हमें काम करना होगा। मिनट से भी एक और चीज है कि झारखंड तो वनाच्छादित क्षेत्र है, आदिवासियों और वन से भरा हुआ ये है, और आपका एक टर्न्यू रहा है वाजपेयी सरकार के टाइम में पर्यावरण मंत्री का केंद्र के अंदर, तो आपका जो अनुभव रहा था उस टाइम में, आपने जो रीड किया था इस राज्य को उस वक्त, आपको लगता है कि जो वन उत्पाद है और जो जंगल पे आधारित जो संसाधन है वो राज्य को थोड़ा स्टेबिलिटी दे सकते हैं, उसको और काम करने की जरूरत है, लाख है, महुआ है, तेंदुपत्ता है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर, तो उसको कैसे ऑपरेटिंग करते हैं? नहीं, हमने कहा कि हमें सब कुछ देखना पड़ेगा ना, जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ खनिज भी है तो वन क्षेत्र भी है, खेती के क्षेत्र भी है, लोगों की शोभा, हमें इसको वर्गीकृत करना पड़ेगा, फिर किन क्षेत्रों में कौन सा उद्योग चल सकता है, किन क्षेत्रों में कौन सा काम को हमें बढ़ाना चाहिए, तो इसको अगर हम ठीक प्रकार से चैनलाइज किए तो फिर हम लोगों को काम भी मिल जाएगा और झारखंड आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। लेकिन ये हमें इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप मतलब कभी कभी कहते हैं ना, जैसे कोई लोग अलग अलग कामों में दक्ष होते हैं तो उनको आप उसी क्षेत्र में आप उनको लगाना चाहिए, अनुभव उनकी दक्षता को और मजबूत करना चाहिए, उसको बाजार उपलब्ध करानी चाहिए, उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे देश में है ना, मान ली थोड़े देर के लिए कहा जैसे कुम्हार मिट्टी का काम करते हैं, तो उनको और वहाँ दक्ष बनानी चाहिए उनके लिए, और हमें मार्केट उपलब्ध करानी चाहिए देश दुनिया में जहाँ कहीं भी, और दूसरे लोगों को दूसरा काम जो जिस क्षेत्र में ट्रेंड है ठीक है, बाकी अपने स्वाभाविक गति से सीखेगा अलग इशू है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं भाई जो वर्ग नहीं करता तो उसको भी हम एक एक चक्की हम मार देंगे, तो पता क्या होगा, कभी चक्की चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोले कि ये जो है ना आज बेकारी बेरोजगारी, ये तुरंत समाप्त होने वाला नहीं होता है, और इसको समाप्त करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग लेकर के आपको चलना पड़ेगा, लोगों को भी स्किल्ड होना होगा, उनके उनको खुद स्किल्ड अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्किल्ड लोग है, स्किल्ड नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कोई जानवर पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो जिनको उस काम में रुचि रहता है उस वर्ग को लोगों को आप उसमें से मदद करिए, उसमें आप सहयोग करिए, डेयरी फार्मिंग जो भी हाँ। जिनका जो पेशा है उसको लेकर के। मनीष सर एक बड़ा सवाल मैं आपके समय उठाने जा रहा हूँ कि जो पिछली सरकार रही है, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर कथन के चार्जेस हैं, हाईकोर्ट में PIL भी है, और हमारी बात पिछले दिनों हुई थी सरजू राय जी से, वो भी कैटेगोरिकली बात करते हैं और बहुत सारे अन्य नेता की बात करते हैं वो, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ था पिछली सरकार में? देखिए मैं हम जानते नहीं, हम तो सरकार में रहे नहीं,
गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी जो सरकार कर रही है, हमने शुरू में देखा जैसे मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जी, सरकार बनते ही आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी में सब पेमेंट काम को रोक दिया ताकि इस पर जांच हो। हम लोगों को लगा कि अच्छा है चलो कुछ कर रहे हैं, शायद जांच कर रहे हो, फिर लगा कि एक आध महीना के बाद पता चला कि अंडर हैंड सब लोगों से डील हुआ और इसके बाद फिर काम सब चालू हुआ। तो लगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ माने एक प्रकार से भाया दोहन करने की कोशिश कर रही है। भाई जिसके पास सरकार है उसको जांच करने से किसने रोक रखा है? ऐसा मैं तो कर नहीं रहे हैं, खाली है, बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ऐसा करके। तो इस प्रकार की ये तो भाया दोहन वाली काम कर रहे हैं, पैसे ऐंठने वाली धंधा ये कर रहे हैं, पूरा यही काम कर रही है सरकार। इधर भी हमने देखा कई विभाग में कहा कि इसको हमने जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें लगा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर एक शॉर्ट आंसर, सर वीर वापस आ रहे क्या संगठन में? अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है। आपको डॉक्टर साहब है, हमने तो उनको कई बार बोला है, सीधा प्रस्ताव कर दिया। अरे मैंने हमने एक बार उनको कहा कि भाई इस कार्यक्रम का मैं आखिरी सवाल उठा रहा हूँ, ये है कि आपका विधायक दल के नेता के रूप में जो चयन है मान्यता है अभी तक वो अभी तक पेंडिंग है, आपको लगता है कि जेएनयू की जो मौजूदा सरकार है वो बदला ले रही है या कोई और दुराग्रह? मुझे उस पर कुछ भी नहीं कहना है, उस पर रविंदर महतो है जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो बताएंगे और आज के मुख्यमंत्री वो बताएंगे, आपको उस पर कुछ नहीं कहना। पार्टी हमने ज्वाइन किया और पार्टी के विधायक सर्वसम्मति से हमें विधायक दल का नेता चुना, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सरकार की पार्टी सर अगर आप सर अगर आप संगठन में चुनाव के पहले आते तो तस्वीर कुछ और होती? अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर का कोई मतलब नहीं आता है। मनी साहब ने इनकाउंटर के लिए वक्त निकाला, जेके न्यूज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राज्य के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता। अगली बार हम एक और मेहमान साहब की मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए इनकाउंटर में मुझे इजाजत दीजिए।